उसका के रसूल रामगिरी महाराज ने कुछ ऐसी टिप्पणियां की जिसकी वजह से देश का ही मुसलमान का नहीं पूरी दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद आज तक उस्ताद के रसूल रामगिरी महाराज को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? क्यों उसको महाराष्ट्र की सरकार बचा रही है? क्या शिंदे साहब उसको बाजू में बैठ गई है, बोल रहे हैं कि तू बोल, हम तेरे साथ है। एक उल्लेमा थे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, उन्होंने किसी की शान में गुस्ताखी नहीं की, किसी की दिलों को हार्ट नहीं पहुंचा, एक अशार पड़ा, उनको 2 घंटे में एफआईआर करके अरेस्ट कर लिया गया और आज तक सलाखों के पीछे जेल में। वारिस पठान साहब, डीजीपी मैडम को आप मिले बाबा रामगिरी के बारे में जिन्होंने रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमने महाराष्ट्र की डीजीपी मैडम रश्मि शुक्ला जी से मुलाकात की। आप तमाम ने देखा महाराष्ट्र के अंदर कुछ दिन पहले उस्ताद के रसूल रामगिरी महाराज ने कुछ ऐसी टिप्पणियां की जिसकी वजह से देश का ही मुसलमान का नहीं पूरी दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। हमने उस गुस्ताखी के खिलाफ काफी जगहों पर एफआईआर दर्ज हुए, पूरे महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज हुए, तमाम तंजीमों ने आवाज उठाई, मगर एफआईआर दर्ज होने के बावजूद आज तक उस्ताद के रसूल रामगिरी महाराज को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? क्यों उसको महाराष्ट्र की सरकार बचा रही है? क्या शिंदे साहब उसके बाजू में बैठ गई है, बोल रहे हैं कि तू बोल, हम तेरे साथ है। महाराष्ट्र में चुनाव आ रहा है, हम सबको पता है, लेकिन सरकार चाहती है प्रोग्रेस करना, हमको हिंदू मुसलमान कराना है, इसीलिए कहीं ना कहीं से उठा के अपने इन टट्टू जैसे लोगों को भेज देते हैं। जाइए आप मुसलमानों को गाली दीजिए, इस्लाम के बारे में अनाप शनाप बकिए, उनकी भावनाओं का हट पहुंचाइए, हम आपके साथ खड़े। तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि देश के अंदर संविधान और कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए है या सबके लिए है? संविधान इक्वालिटी की बात करता है, तो इनको अरेस्ट क्यों नहीं? हमारी ही एक उल्लेमा थे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, उन्होंने किसी की शान में गुस्ताखी नहीं की, किसी की दिलों को हार्ट नहीं पहुंचा, एक अशार पड़ा, उनको 2 घंटे में एफआईआर करके अरेस्ट कर लिया गया और आज तक सलाखों के पीछे जेल में। तो ये महाराज जैसे, मैं तो उसको महाराज नहीं, अगर महाराज और संत होता तो दूसरे के धार्मिक चीजों में नहीं बोलता, दूसरे के दिलों को ठेस पहुंचाने का काम नहीं करता। ये मैं इसको भेजूंगी कहता हूँ। हमने रश्मि मैडम साहब से कहा है कि इसको फौरन हिरासत में लिया जाए, सिर्फ एफआईआर से काम नहीं होगा, अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम संविधानिक तौर से इसका एहतजाज करेंगे, रस्ते पे हमको उतरना पड़ेगा। मैडम ने उनको आश्वासन दिया है कि आप लोग ये कुछ न करिए, हम बहुत जल्दी इनका गिरफ्तारी करेंगे, जो भी उचित कदम होगा कानून बहुत जल्दी से जल्दी उठाएंगे उसके बारे में।